नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पुरानी पेंशन बहाली के लिए शिमला में कर्मचारियों का सबसे बड़ा प्रदर्शन, किया विधानसभा का घेराव। शिमला में प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों पर पुलिस ने की पानी की बौछारें, आंसू गैस का भी करना पड़ा इस्तेमाल। ओल्ड पेंशन पर सदन में नारेबाजी, वॉकआउट, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष में तीखी नोकझोंक। 8.3% रहेगी हिमाचल की विकास दर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, विधायकों का व्यवहार न सुधरा तो इग्नोर कर देंगे लोग। जल जीवन मिशन में हिमाचल की लंबी छलांग, हर घर को नल से जल में हासिल किया 93% लक्ष्य। यूक्रेन की ट्रेनों में नहीं बिठाए जा रहे भारतीय, बिगड़ते हालातों के बीच घर पहुंचे छात्रों ने बताई जंग की कहानी। सरकाघाट में HRTC बस दुर्घटनाग्रस्त, महिला सहित 2 लोगों की मौत, 15 सवारियां घायल। और अब समाचार विस्तार से। पुरानी पेंशन बहाली के लिए गुरुवार को कर्मचारियों ने शिमला में सबसे बड़ी रैली की और सरकार तक अपनी बात पहुंचाई। कर्मचारियों का कहना था, कमेटी बनाने से कुछ नहीं होगा, ओल्ड पेंशन लिए बिना कर्मचारी शिमला से वापस नहीं जाएंगे। पिछले कई दिनों से ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की मांग पर अड़े NPS कर्मचारियों ने शिमला में गुरुवार को जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वालों में रिटायर्ड कर्मचारियों और महिलाओं की संख्या ज्यादा थी। इस दौरान कर्मचारी विधानसभा गेट तक पहुंच गए और नारे लगाने लगे। हालांकि पुलिस व प्रशासन ने उन्हें मनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन आक्रोशित कर्मचारी नहीं माने और CM से मिलने की बात पर अड़े रहे। उधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर सरकार हमेशा कर्मचारियों के हित में फैसला लेती रही है और आगे भी लेती रहेगी, और जो इश्यूज उनके थे एक एक को सुन करके उसका समाधान किया, और ऐसे में 4 वर्षों में कोई भी कर्मचारियों का कोई आंदोलन, कोई भी इस प्रकार का नाराजगी का माहौल जो प्रदेश में कहीं भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि उनके ड्यूज समय पर जो देने चाहिए थे हमने समय पर दी है। कोविड की स्थिति होने के बावजूद भी कर्मचारियों के ड्यूज भी दिए, कर्मचारियों के एक दिन की सैलरी डिले नहीं की हमने, एक दिन के लिए पेंशन डिले नहीं। OPS को लेकर हम कर्मचारियों की बातें सुनने को तैयार हैं और प्रधान सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई है। कर्मचारियों के प्रतिनिधि प्रधान सचिव से मिलकर अपनी बात कह सकते हैं, और जिस तरह से वो मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री आकर के उनके बीच में आए, वो संभव नहीं है। उनको इस बात को समझना, उनकी बात सुनने के लिए हम उपस्थित हैं। जब बोलेंगे वो, हम उनकी बात को सुनेंगे, लेकिन इस प्रकार से शर्त उनकी जिस प्रकार से रखी गई वो उचित नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। और दूसरी बात, वो राजनीतिक दृष्टि से खिलौना बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो भी उचित नहीं है। अपनी मांग कहने का अधिकार है, अपनी बात कह दी, तरफ प्रयास करें। और इसके बाद फिर मैं अंत में एक बार अपील कर रहा हूँ आप सबके माध्यम से कि अपने जो प्रतिनिधि उनके हैं, उन प्रतिनिधि के साथ बात करने में हमको कोई भी कठिनाई नहीं है, लेकिन ये संभव नहीं है कि हम जाकर के वहाँ लोगों के बीच में जाकर के कोई बात करें। कर्मचारियों को संयम रखना होगा और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुँचानी होगी। बल प्रयोग इसको नहीं कहते, जब उनने सारा पुलिस के इसको जो है तोड़ा है, और जिस प्रकार से वो किया है, पुलिस ने बहुत शांतिप्रिय ढंग से और संयम और सब्र के साथ काम लिया है। मैंने अभी भी कहा है कि हमको सब्र और संयम के साथ ही काम करना है, और मैं उनसे इस बात के लिए आग्रह करता हूं कि आंदोलित होकर के इस प्रकार से समस्या का समाधान नहीं। थैंक यू प्लीज, थैंक यू। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोदरेज नंबर 1 मिस हिमाचल 2021-22 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी ब्यूटी पार्टनर रोजा हर्बल। अगर आप भी बनना चाहती हैं मिस हिमाचल तो तैयार रहें, ऑडिशन शुरू 7 मार्च से। जल्द आ रहे हैं आपके शहर
अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र या लाइक करें मिस हिमाचल के फेसबुक पेज और फॉलो करें इंस्टाग्राम पर। शिमला में गुरुवार को एनपीएस कर्मचारियों ने धर्मशाला में हुए शीतकालीन सत्र के दौरान दिए गए धरने को दोहरा दिया। पुराने पेंशन बहाली के लिए एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री से बात करने की जिद पर अड़े रहे। पेश है ये विस्तृत खबर। पुरानी पेंशन बहाली के लिए आज शिमला में प्रदेश भर से हजारों कर्मचारी विधानसभा का घेराव करने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर 103 टनल के पास इन्हें रोक लिया। इस दौरान कर्मचारी ना तो पुलिस के डंडों से डरे, ना ही आंसू गैस और ठंडे पानी की बोछारों से। भीड़ के चलते सर्कुलर रोड पूरी तरह बंद हो गया, जिसके चलते ट्रैफिक को टूटीकंडी बाईपास से डाइवर्ट करना पड़ा। यहां इनसे बात करने से पहले डीसी शिमला आदित्य नेगी अपनी प्रशासनिक टीम के साथ आए, फिर डीजीपी कुंडू ने इन्हें समझाने की कोशिश की। विधानसभा में ही कैबिनेट की बैठक चल रही थी, जिसके बाद शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज इनसे मिलने आए, लेकिन इनकी बात भी कर्मचारियों ने नहीं सुनी और मुख्यमंत्री से मिलने की बात पर अड़े रहे। विधानसभा बजट सत्र के दौरान गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन देने को लेकर विधानसभा के अंदर और बाहर जमकर हंगामा हुआ। पेश है ये रिपोर्ट। विधानसभा में गुरुवार को प्रश्नकाल के शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने सदन में हंगामा कर दिया। कांग्रेस विधायक दल ने सदन में स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर करने पर सदन में नारेबाजी की और कांग्रेस विधायक दल ने सरकार पर कर्मचारियों से अलोकतांत्रिक व्यवहार करने का मुद्दा उठाते हुए वेल में चले गए। इसी बीच 11:17 पर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। हुआ यूं कि सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी प्रश्नकाल से पहले ही उठ खड़े हुए और कांग्रेस विधायकों की तरफ से दिए गए नियम 67 के नोटिस पर चर्चा मांगी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने व्यवस्था दी कि उन्हें कांग्रेस विधायकों की तरफ से काम रोको प्रस्ताव का नोटिस मिला था, जो कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन को लेकर है। नियमानुसार इस बारे में इससे पहले कांग्रेस और भाजपा के कई विधायकों के प्रश्न और प्रस्ताव विधानसभा सत्र में लगे हैं, इसलिए इस विषय पर अलग से काम रोको प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर में तीखी नोकझोंक भी हुई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को सदन में आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया। सरकार के अनुमान के अनुसार कैसी रहने वाली है अर्थव्यवस्था, आइए डालते हैं इस रिपोर्ट पर एक नज़र। हिमाचल प्रदेश की विकास दर 2021-22 में 8.3% रहने का अनुमान है, जो कि पिछले वर्ष 2020-21 में -5.2% थी। आर्थिक सर्वेक्षण पेश करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2021-22 में 1,56,675 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में 1,75,173 करोड़ रुपए होने की संभावना है। प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में 1,83,333 रुपए से बढ़कर 2021-22 में 10.1% की बढ़ोतरी के साथ 2,01,854 रुपए तक पहुंचना अनुमानित है। इसके अलावा वर्ष 2021-22 के दौरान कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर 8.7%, विनिर्माण क्षेत्र में 11.3%, निर्माण क्षेत्र में 13.3%, व्यापार होटल और रेस्तरां इत्यादि में 9.1% की वृद्धि दर का अनुमान है। मुख्यमंत्री का कहना है कि यदि विधायकों का व्यवहार ना बदला तो लोग उन्हें इग्नोर कर देंगे। जयराम ठाकुर गुरुवार को सदन में कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी के बदलते परिवेश में विधायकों की भूमिका पर वक्तव्य दे रहे थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विधायकों को अपना व्यवहार सुधारना होगा, अन्यथा भविष्य में लोग उनकी इज्जत भी नहीं करेंगे। अब हालात ये बन गए हैं कि विधायक खड़े रहते हैं और कोई उनसे बात करना भी गवारा नहीं समझता। मुख्यमंत्री ने कहा, उद्घाटन पट्टिकाओं में विधायक का नाम भी शामिल हो, इस पर प्रदेश सरकार विचार करेगी, खासतौर पर ऐसे कार्यों जो विधायक निधि से प्राथमिकता के आधार पर पूरे करवाए गए हों। उन्होंने कहा कि सरकार इस पर भी विचार करेगी कि यदि मंत्री का दौरा संबंधित विधायक के क्षेत्र में रहता है तो उसकी जानकारी खंड विकास अधिकारी या एसडीएम के माध्यम से क्षेत्र के विधायक को मुहैया करवाई जाए। साथ ही सीएम ने कहा कि उद्घाटन पट्टिकाएं तोड़ने का क्रम पूर्व सरकार के समय से चल रहा है। उनके क्षेत्र में कई पट्टिकाओं को तोड़ा गया, जब इसकी शिकायत पूर्व मुख्यमंत्री से की गई तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। जल जीवन मिशन का टारगेट अचीव करने में हिमाचल अग्रणी राज्य में शुमार हो गया है। प्रदेश ने मिशन के तहत 93% लक्ष्य हासिल कर लिया है।
केंद्रीय और राज्य जल शक्ति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने गुरुवार को शिमला में कहा कि हिमाचल में वर्ष 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल से जल देने का लक्ष्य तय किया गया था। ऐसे में समय से पहले ही हिमाचल लक्ष्य को हासिल करने वाला है। थर्ड पार्टी असेसमेंट के बाद ही राज्य को जल जीवन मिशन के तहत टारगेट पूरा करने का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मिशन के तहत हर गांव की 5 महिलाओं को पानी के सैंपल टेस्ट करने की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध करवाया जा सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने केंद्रीय बजट को महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी बताया और कहा कि बजट देश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। हिमाचल को 2023 में करना था, वो 2022 में पूरा कर रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक इस आपदा के बीच में इन बातों में व्यवधान नहीं आना। कुछ राज्यों में इसके कारण विलंब हुआ था, लेकिन हमने आज की स्थिति जो हमारी है, जब इस जल जीवन मिशन की घोषणा हुई थी, तब देश में कुल 17% परिवारों के पास में पाइपलाइन के द्वारा पानी पहुंचता था, लेकिन आज वह आंकड़ा 48% है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग ने हिमाचल की नींद उड़ा दी है। प्रदेश के कई छात्र यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं और बिगड़ते हालातों के बीच वहीं फंस गए हैं। जैसे तैसे कर जो छात्र घर पहुंच रहे हैं, वे यूक्रेन की भयानक तस्वीर पेश कर रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के तेज होते हमलों के बीच भारतीय छात्रों की वापसी भी तेज होती जा रही है। घर लौटे कुल्लू जिला के कटराई के भाई बहन बेवली और विदित ने बताया कि यूक्रेन में हालात बेहद खराब हैं। घर आने के लिए उन्हें काफी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। पहले वे बुडापेस्ट पहुंचे और फिर हंगरी जाने के लिए उन्हें 22 घंटे का इंतजार करना पड़ा। इसके बाद वे हंगरी से टर्की होते हुए दिल्ली पहुंचे। गुरुवार को जब दोनों भाई बहन सकुशल घर पहुंचे तो माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरा नाम विदित गौतम है और मैं सेकंड ईयर का यूक्रेन में उज़्ग्रोड नेशनल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ। और हम जिस तरीके से न्यूज़ वगैरह देख रहे हैं तो हम बहुत पैनिक हो गए थे। खुशकिस्मती से हमारा जो यूनिवर्सिटी का जो एरिया है वो वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है, जो कि उतना खराब सिचुएशन में नहीं है प्रेजेंट में, लेकिन फ्यूचर का अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं और यूक्रेन काफी बुरी कंडीशन में बोल सकता हूँ। सुंदरनगर के अंकुश ने अपने पिता को भेजे ताज़ा वीडियो में बताया कि खार्किव में वर्तमान में भारी गोलाबारी व बमबारी हो रही है। सभी छात्र खार्किव से 11 से 15 किलोमीटर पैदल चलकर ट्रेन स्टेशन पहुँचे, जहाँ आसपास भी भारी बमबारी जारी थी। यूक्रेन की ट्रेनों में भारतीय छात्रों को नजरअंदाज किया जा रहा है। अगर हम वैसे मतलब अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट कर देना कि मतलब यहाँ लवी से तुम यहाँ आ जाओ, तो बात बनती है कि नहीं इंडियन गवर्नमेंट कुछ कर रही है, उनकी साइड से कुछ हो रहा है। मतलब उधर यूक्रेन में पढ़ाई करने गए ऊना जिला के 63 में से 30 छात्रों की सकुशल वापसी हो चुकी है, जबकि अभी भी 33 छात्रों के अभिभावक अपने बच्चों की वापसी की राह देख रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा इस तरह से था कि हमारी जितनी भी फ्लाइट्स का था, उन्होंने बंदोबस्त जैसे भी किया, हमारे बॉर्डर्स पे उन्होंने जैसे भी बात की कि उनको बच्चा निकालना है, वो हमारी जो प्रोसेस इजी बनी वो सिर्फ उनकी वजह से बनी। अगर वो बात नहीं करते तो हम मे बी अभी तक उधर ही अटके होते। अभी वैसे भी काफ़ी बच्चा है बट निकल रहा है, धीरे धीरे सब निकल रहा है वहाँ से। और हमारी हिमाचल सरकार ने भी यहाँ पे जब हम पहुँचे थे तो उन्होंने हमारा स्वागत किया और हमें अपने हिमाचल भवन लेके गए। वहाँ पे हमें पूरा खाना प्रोवाइड किया गया, सब दिया गया और उसके बाद हमें घर तक पहुँचाया गया। सरकाघाट में गुरुवार को HRTC बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 2 लोगों की जान चली गई है, जबकि 15 लोग घायल हुए हैं। हादसा झील गांव के पास पेश है ये रिपोर्ट। सरकाघाट उपमंडल के झीड़ गांव में HRTC बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसा दोपहर करीब 1 बजे पेश आया। स्थानीय लोगों को जैसे ही सूचना मिली वे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। बताया जा रहा है हादसे में 15 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है। SP मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया सरकाघाट थाना से पुलिस टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। बहरहाल अभी तक हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। चलते चलते में नजर डालेंगे इन बड़ी खबरों पर। सरकारी स्कूलों को जल्द मिलेंगे हेडमास्टर। उच्चतर शिक्षा विभाग ने प्रिंसिपल को भेजा सर्कुलर, 16 अप्रैल तक जमा करवाएं दस्तावेज। ढलियारा में 1.20 ग्राम चिट्टे के साथ रंगे हाथ दबोचा युवक, टैक्सी में सवार था आरोपी। तिब्बतियों के नए साल लोसर का आगाज, सैलानियों के लिए खुला दलाई लामा टेम्पल। मैक्लोडगंज में 3 दिन रहेगी धूम।
सोलन में खेलते खेलते छत से गिर गया 7 साल का बच्चा, अस्पताल पहुंचने से पहले उखड़ गई सांसें। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही, रात 9 बजे देखना ना भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।